नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं पुरबैया टाइम्स। दोस्तों, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए।
ताने चली। अच्छा हाँ, तो आप इस तरह का जो यहाँ पर जुलूस जा रहा है तो क्या हर साल चलती है जो? ये हर साल, हर साल, हर साल अच्छे निकलता है, बहुत बेस्ट निकलता है। अच्छा, बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। अच्छा, तो मतलब आज जुलूस चलता है जिसमें मतलब महिला भी शामिल रहती है? महिला वगैरह सब, औरतें, बच्चे, मर्द सब शामिल रहते हैं। सिस्टमेटिक चलता है सब। इसे और थोड़ा डिटेल से बताइए आप, मतलब कितने दिन के बाद चलती है? मतलब एक ही दिन चलती है? और नहीं, एक दिन नहीं चलता है, ये तीन दिन चलता है। तीन मुहर्रम की 7 तारीख होती है, जब एक मेन दिन रहता है, जब मुहर्रम की 1 तारीख रहती है, जब ढोल बजते हैं, और रात में मुहर्रम की 7 तारीख रहती है, जब रात में रहता है, माहौल रात में कटल गिरा देती है। हाँ, कटल गिरा देती है 7 तारीख को मुहर्रम की, फिर मुहर्रम की 9 तारीख को, जैसे कल मुहर्रम की 9 तारीख थी, तो आप देख सकते हैं इमामबाड़ा साइड है ना, वहाँ का, यहाँ तो मतलब इतना कुछ नहीं रहता है, वहाँ सुबह के 4-5 बजे तक चलता है। आज और आज यहाँ पे तो खैर मतलब थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है, वहाँ तो मातम होता है। अच्छा अच्छा, हाँ मातम निकलेगा वहाँ पे। तो कहाँ से, कहाँ से होकर कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? पिपलानी, ये चल क्षेत्र से मस्जिद है, पिपलानी जामा मस्जिद। अच्छा अच्छा, नहीं पूरे भोपाल से ये चल रहा है कि मतलब पूरे भोपाल में चलता है, पूरे भोपाल में, लेकिन जगह से जगह जाकर वो समाप्त हो जाता है। जैसे पिपलानी बीच मस्जिद से निकला तो आप जाकर हटाई खेड़ा पे जाकर समाप्त हो जाएगा, हटाई खेड़ा में। हाँ, तो नहीं जैसे आपने घूमे होंगे तो पूरे भोपाल घूम करके आए हैं? नहीं, एरिया वगैरह पूरा रोड वगैरह क्रॉस करा हुआ है, आलम नगर पूरा घूम के आता है। अच्छा, मतलब लास्ट में इधर आप मतलब पूरा आता है डैम तक, लास्ट तक जाएगा। अच्छा अच्छा, टाइगर इसके पहले का पूरा भोपाल में घूम लिया? पूरा भोपाल नहीं घूमा, मतलब जगह अलग अलग सिटी में निकलता है। अच्छा, सिटी में वी आई पी घूमता है। अच्छा, सबकी रोड बनाओ, एक रोड बनाओ, सब पे निकलने का परमिशन लेना पड़ती है, रोड से निकल सकते हैं, पुलिस की परमिशन होती है, रोड से निकलते हैं। सबका अलग अलग रूट मतलब बना हुआ है, अलग अलग रूट, जैसे इमामबाड़ा का ज्यादा मतलब कुछ प्रॉब्लम ना, इस वजह से मतलब सब परमिशन लगती है।